नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर देहात जिले के स्वास्थ्य विभाग की तमाम समस्याओं, भ्रष्टाचार तथा जिला अस्पताल अकबरपुर बना रिफर सेंटर आदि तथा भ्रष्टाचारी लोगों द्वारा पत्रकारों पर झूठे मुकदमे लिखाने के प्रयासों को रोके जाने आदि से संबंधित 8 मांगों को लेकर पिछले 18 अक्टूबर से जिला प्रेस क्लब के बैनर तले पत्रकारों का आंदोलन जारी है। आंदोलन धरना सत्याग्रह स्थल पर ब्रजेंद्र गुप्ता और जिला अध्यक्ष विजय शंकर कौशल बराबर बैठे हुए हैं। जनपद के तमाम जनप्रतिनिधि सामाजिक संगठन सहयोग देने का वादा कर चुके हैं तथा दीपक सिंह चौहान लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आश्चर्यजनक यह है कि तमाम पत्र व्यवहार के बाद भी शासन प्रशासन पत्रकारों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। शनिवार दोपहर कानपुर के पत्रकारों ने द्रविड़ भारत समाचार पत्र की संपादक उमेश्वरी देवी के नेतृत्व में आकर पत्रकारों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम जिलाधिकारी, कमिश्नर और मुख्यमंत्री से मिलकर समस्याओं के जल्द निराकरण के लिए प्रयास करूंगी। धरने के दौरान नौसाद बाबू, राम अवतार, कानपुर के पत्रकार रोहित शर्मा, जीवन कुमार, के शर्मा, कृष्ण कुमार आदि दर्जनों लोग उपस्थित रहे। 18 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक हमारा सत्याग्रह चलता रहा और आज जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते मुझे इस सत्याग्रह को आमरण अनशन में परिवर्तित करना पड़ा और आज से मैं दीपक सिंह चौहान बिना खाना खाए केवल पानी पी करके अपनी मांगों के लिए आमरण अनशन पर बैठ चुका हूँ और ये आमरण अनशन अनवरत जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक चलता रहेगा। साथियों, हम बताना चाहेंगे कि जिला प्रशासन के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो अनियमितताएं की जा रही हैं, उन अनियमितताओं के चलते जिले में प्राइवेट नर्सिंग होम, जिला अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो चुकी हैं और इन स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के चलते कानपुर देहात की जनता के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को लड़ते लड़ते मुझे 3 साल हो गए हैं। जब न्याय नहीं मिला तो मजबूरन हमें सत्याग्रह और आमरण अनशन करना पड़ा। साथियों, हम बताना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण की शिकायत जुलाई 2019 में मैंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ से की थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशानुसार निर्देशानुसार जाँच तो हुई लेकिन विगत 2 साल बीत गए लेकिन जांच पर कार्रवाई। इन सब तमाम मेरे 8 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर के हम आमरण अनशन कर रहे हैं और अंतिम सांस तक अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे।